अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो नाज़रीन, आज का मौसम माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम है। दो दिन से तो जो है ना इतनी गर्मी हो रही थी, हम क्या बताएं, रोजे में तो हमारे मुंह से जो है ना वो बात भी नहीं निकल पा रही थी। और आदिल भाई भी जो है ना आज खुशी खुशी जो है ना वो झाड़ू शाड़ू लगा रहे। यार आदिल भाई, ये क्यों ये पत्ते मत्ते इतने सारे रोज हो जाते, क्या मसला ये? कौन सा मौसम है, बाहर का या बाहर का? बाहर का। तो भाई बाहर का मौसम आदिल भाई कह रहे, मुझे नहीं पता। ओ कमी से तू गाड़ी ले आया भाई? गाड़ी ले आया, गाड़ी का दोनों टायर पंचर है। दोनों टायर पंचर है? हाँ भाई, आगे पीछे हो गया। अबे ये वाला टायर पंचर है, आगे वाला तो बिल्कुल सही है। दोनों टायर क्यों पंचर कर रहा है? एक में पंचर है, हवा भराई थी तो थोड़ा थोड़ा कमल निकल रही है। चूतिया बनाया तुमको यार। व्यूअर्स, हम अपनी गाड़ी में जो ना हवा तो खैर नहीं, दो बार पंचर एक पिछले टायर में लगा चुके, फिर भी वो पंचर हो जाता है। टायर भी बिल्कुल ओके, अब मुझे लगता है इसका जो है ना वो टायर नरम हो गया। जब किसी खड्डे में या किसी जंप में आता है तो उसकी जो तारे होती है वो ट्यूब में लग जाती है। तो इसके अलावा ना उसमें कांटा लगता है ना कीली लगती है। दो बार पंचर बना दिया है, अब हम ये करेंगे इसका टायर जो है ना वही चेंज कर देंगे, क्योंकि इसका टायर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पंचर वाले के पास जाओ तो वो चेक करते हैं, ना कीली होती है और ना ही कांटा होता है। तो कमीता भाई, शबीर भाई से आप टायर ले लो। अब शबीर से पूछो कौन सा टायर देगा, सर्विस का देगा, पेंसर का देगा, गोरी का देगा। हाँ तो घर की गाड़ी है तो पैसे कैसे मांगेगा, पागल हो गया क्या? नहीं मांगेगा। तुम शबीर भाई से लो पैसे, पैसे क्या टायर लो और वो रहा पंचर वाला भाई, उसको देके आप देके आओ। यार बशीर भाई और कमीता भाई, ये क्या बात है, हमारा नीम का दरख्त जो है ना बिल्कुल पीला पीला हो गया, और ये देखो कितना कचरा हो जाता है यहाँ पर। यार सूख रहा है ना, ये सूख रहा है, क्यों सूख रहा है? इसको पानी वानी नहीं, पानी वानी दो, उसकी गुड़ाई करो, उसको जम दम दो, तैयारी करो, तो ये तैयार हो जाएगा। तो भाई सुबह में खोलने के साथ जो है ना नादिर भाई पहुँच के, नादिर भाई आज क्या मसला कर रही है अपनी गाड़ी, बताओ भाई। रंगे कमजोर हो गई है, आपको क्या उस्ताद से मशवरा किया है या? अच्छा नादिर भाई एक बात बताओ, व्यूवर्स को बताओ, अगर रिंगे कमजोर हो जाती है तो गाड़ी में क्या फॉल्ट करती है, क्या मसला कर रही थी? मसला ये करती है, गाड़ी ऑयल करती है और स्टार्टिंग में तो मतलब कंप्रेसर नहीं होता स्टार्टिंग में, और प्लग पे ऑयल वगैरह भी चढ़ा रही होगी ये गाड़ी। तो व्यूवर्स अभी जो है ना पप्पू भाई ने तो जो है चेक करके बता दिया नादिर भाई को, अब इस गाड़ी का देखते पूरा इंजन खोलते या हाफ इंजन खोलते, तो उसके बाद देखते खाली रिंगे डालता है या पिस्टन डालता है। जब खुलती है तो पता लगता है कि यार इसमें रिंगों का काम है, पिस्टन का काम है या वालों का काम है। तो भाई हमारा एक और शागिर्द आ गया है, खाली एक हमारा उस्ताद रह गया उमर भाई, वो अभी तक नहीं आए। जमशाद, ये हमारा जमशाद भाई है। भाई रोज़ा आए ना? रोज़ा आज भी कौन रखे? रोज़ा नहीं लगा आपने आज भी? क्यों, क्या हुआ आपने तो यार रोजा माशाल्लाह तीन चार दिन से रोजे रख रहे हो, आज रोजा नहीं रखे क्यों? तबीयत सही कौन है? ओ जमशाद, ये वाली भी रिंग चेक कर ली है और दूसरी रिंग भी लगाई है। अब आप इसमें देखो ये जो गैप आ रहा है ना, इसकी वजह से जो है ना ऑयल खा रही थी नादिर भाई की गाड़ी। नादिर भाई, भाई उस्ताद पप्पू ने जो बोला था वही बात हुई है, रिंगों में आप गैप चेक करो कितना है गैप सिलेंडर में, तो अभी आपकी रिंगे डलेगी नहीं, बाकी उसके बाद देखेंगे वाल वगैरह सेट है या नहीं है। तो हेड की जो है ना वाल सीले वो भी लीक है, उस्ताद कह रहा जब खोला है तो वाल सीले भी जो है ना उसकी चेंज कर दो, वाल खोलेंगे उसके बाद वाल सीधे लग जाएगी। हमारा छोटू उस्ताद जो है ना वो सिलेंडर की पैकिंग वगैरह साफ कर रहा है, और उस्ताद पप्पू ने वाल वगैरह भी चेक कर लिए, वाल भी ओके, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है ना वाल सीधे डलेगी और इसमें रिंगे डलेगी।
तो भी बट ये पुरानी वाल सीले निकली है, बिल्कुल डैमेज हो गई थी, वाल सीले भी चेंज कर दी और रिंगे भी न्यू लगा दी, और इसके अलावा इसकी हाफ किट भी जो है वो भी चेंज कर दी, और हमारे जो है ना वो जमशाद भाई ने जो ना आयल भी डाल दिया है। ये कि नादिर भाई पानी शानी डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे टेंकी में, भाई पेट्रोल ही डालोगे ना टेंकी में, बाकी पानी तो आपकी टेंकी में पूरा है ना, पानी वाली टेंकी में। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चालू करो नादिर भाई। माशाल्लाह यार नादिर भाई हल्के पांव से और एक ही किक में स्टार्ट कर दी भाई आपने यार, आवाज़ भी आपकी गाड़ी में बिल्कुल सुनने, और रेस भी आपने नहीं दी है भाई गाड़ी को, इसका मतलब है उस्ताद ने काम VIP कर दिया ना आपका, मुतमईन हो भाई। नादिर भाई अभी आके अपना हिसाब किताब करवा रहा है। नादिर भाई अब हिसाब किताब करके यार ये बताओ व्यूअर्स को काम वगैरह कैसा कर रहे हो, देखो उस्ताद वगैरह सही कर रहे होते। तो दोस्तों आज थी हमारी नादिर भाई के साथ हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 17:40